मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा आलू। पूर्णिमा जी, अच्छा पूर्णिमा जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे वगैरह बन रहे हैं और वो भी देसी स्टाइल में बन रहा है, क्या पर्पस है, क्या कुछ है, थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, ये हमारा अमृत धारा और अन्न जल का संयुक्त उत्सव हो रहा है यहाँ पर। तो जो अन्न जल है उसमें मैं सेहत और स्वास्थ्य प्रोग्राम चलाती हूँ, कार्यशाला होती है वो। अच्छा। और वो कम से कम 3 दिन की कार्यशाला रहती है, है? इसमें ये बताया जाता है कि आहार बदलें, व्यवहार बदलें और स्वस्थ रहें, और किसी आपको दवाई की जरूरत ना पड़े, यहाँ तक कि आयुर्वेद की दवाई भी आपको ना खानी पड़े। तो ये हमने एक डॉक्टर अजीत शर्मा जी से हमने सीखा था, 10-12 साल उनके सानिध्य में रह करके, और हमने अपने परिवार को सही रखा, पड़ोसी को सही रखा, रिश्तेदारों को रखा। तो हमें लगता है कि ये बात हमें फैलानी चाहिए, सब लोग इसका क्योंकि करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो आज खाने में क्या क्या है? आज के खाने में हमने 10 सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी जो जयपुर के शहर में बना कर करती थी, सतगड्ढे की सब्जी, वो बनाई है। और ये इसमें हमने नमक हल्दी के अलावा छौंक का कुछ सामान इस्तेमाल किया है, बाकी कोई मसाला नहीं डाला है। और कलई के बर्तन में बनाए, धीमी आंच में बनाए। और दूसरा हमने साबुत मूंग की दाल बनाई है, और मूंग की दाल जयपुर राजस्थान के जीवन में बहुत बनती है वहाँ, बहुत, क्योंकि ये दाल शाम के टाइम खाने वाली दाल है, ये बहुत पाचक होती है। बाकी छोले राजमा ये सब दिन के हैं, उड़द की दाल दिन की है, यही हम शाम को यही दाल खिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से खाना और कैसे बन रहा है और किस बर्तन में बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। ओके जी। अच्छा आंटी, क्या है इसके अंदर? हमने यहाँ सब जैविक चीजों का प्रयोग किया है, तो हमारा तेल शुद्ध कच्ची घानी का है वास्तव में ही, और इसमें जीरा जो पड़ा है वो भी, और हींग डाली है, साबुत मिर्च डाली है, बीज झाड़ करके। अच्छा, है ना, ठीक है। और ये जोधपुर की जो मथानी मिर्च होती है वो है। हाँ। और फिर हमने टमाटर थोड़ा खटास के लिए डाला है। ओके। ये हमारी दाल का छौंक है, जो साबुत दाल मूंग की बन रही है। ओके। उसका ये हमने छौंक तैयार किया, छौंक तैयार कर जी। और कौन सी दाल की कढ़ाई में आप देख रही हैं, और कलई के बर्तन में हमारी दाल बन रही है। अच्छा, तो कौन सा दाल बना रहे हैं आप? साबुत मूंग की। साबुत मूंग की। कितने लोगों की दाल बना रही हैं? ये करीब 125-150 लोगों की। 125-150 लोगों की, क्योंकि हमारा खाने का टाइम जो है वो शाम 6 से 8 बजे तक ही है। 6 से 8 बजे तक तो उस हम इतने लोगों को खिला सकते हैं, आते तो 200 लोग भी हैं। हाँ। लेकिन हमारा टाइम के बाद आते हैं तो हम खिला नहीं सकते, और 2 घंटे में तो हम 125 ही को खिला पाते हैं। जी जी, ये बात। तो सारा कुछ आप लोग बना रही हैं चूल्हे पे ही बना रही हैं? ये लकड़ी के, क्योंकि लकड़ी की आँच जो होती है मध्यम आँच होती है। अच्छा, क्या बना रहे हैं इसके अलावा? हमारी ये सब्जी बन रही है। ये कौन सी सब्जी बनाई है? ये सब्जी हमारी बेसन होता है ना, वो अलग होता है। ये गड्ढा मतलब आपने 10 सब्जियां ली हैं और एक के ऊपर तह लगा कर। हाँ। जो जल्द देर से गलेगी वो सबसे नीचे। हाँ। जो जल्दी गलेगी वो ऊपर, इस तरह से इसमें आप तह लगा देते। मिक्स वेजिटेबल लिए जी? तो क्या कौन कौन से वेजिटेबल्स लिए हैं इसमें? आलू गोभी, बैगन, मूली, सेम, सिंगरा। और सेम की जगह हमें बीन्स डालनी पड़ी, क्योंकि सेम यहाँ ही नहीं, और सिंगरे का भी मौसम। अच्छा, जयपुर में तो मिल जाएगा। हाँ। आप लोग जयपुर से हैं क्या? नहीं, हम जयपुर से ही। अच्छा। और ये था कि हम सब्जी में कोई मसाला यूज, नमक हल्दी के सिवा कुछ यूज नहीं, सारी सब्जियों का जो स्वाद रस हो जाता है, जो स्ट्यू बनता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए हमने ये सब्जी। अच्छा। कल हमारी आलू बैगन, आलू कमी, आलू बच्चों के लिए डाल रहे हैं, बैगन, मूली और पालक था। अच्छा। उसमें भी नमक हल्दी था और सब लोगों ने बहुत उससे खाया, और बच्चे भी खूब खा रहे हैं। क्या बात। तो इसलिए वही सब्जियां ली हैं जो बिना मसाले की भी अच्छी, बिना मसाले के भी अच्छी लगती है, हालांकि आलू गोभी भी और बिना मसाले का। तो साथ में खाने के लिए और क्या? रोटी है, चावल है, क्या? बाजरे की रोटी है। बाजरे की रोटी है और गेहूं के मोटे आटे की, मोटे गाने आटे का, वो भी इसी पे बनने वाला है। हाँ, तवे रखे जाएंगे मिट्टी के। हाँ। मिट्टी के तवों पे बनेंगे। अच्छा, मिट्टी के तवे बनेंगे? मिट्टी के तवों पर ही बने। क्या बात है। ये चटनी हमारी धनिया और
उबले हुए आंवले। अच्छा, ये कौन सी चटनी बन रही है? ये धनिये और उबले हुए आंवले की मिक्स चटनी बन रही है। और अब इसमें हरी मिर्च भी मिलाएंगे थोड़ी सी हम। अच्छा। और नमक डालेंगे बस। तो ये आंवले को हमने उबाल करके खोल लिया है और इसकी गुठलियां अलग करके पीस रहे हैं। ओके। उसके बाद धनिया मिर्च पीस देंगे, फिर धनिया पीस देंगे, क्योंकि हमारे पास सुविधा जो मिली है उसमें सब कुछ एक साथ नहीं पीस पाएगा, फिर हम सबको एक साथ पीसने की कोशिश मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्सी ना यूज करके आप सिल्वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्वाद इसमें मिक्सी में तो हमारा सब जल जाता है, पोषक तत्व रहते नहीं है उसमें, हम रफेस खाते हैं। बिल्कुल। बहुत टाइम के बाद देखने के लिए मिल रहा है सिल्वर। यहाँ भी सिल्वर ही बोला जाता है, कुछ और बोला जाता है? कई लोग सिल बोलते हैं, कई सिल्वर बोलते हैं। प्रीति, आप लोग क्या बोलते हो इसको? सिलबट्टा कहते हैं। सिलबट्टा, सिल और बट्टा। हाँ, बट्टा तो बट्टा। हर जगह अलग अलग नाम से जाना चाहते हैं। तो ये चटनी बन जाएगी। इसके अलावा और क्या, किस चीज की तैयारी है यहाँ पे? बस चटनी है, बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है और सब्जी है और मूंग की दाल। मूंग की दाल है और साथ में आपको अदरक का लच्छा मिलेगा एक। हाँ। क्योंकि अदरक का लच्छा सेंधा नमक के साथ आप खाते हैं तो आपके अग्नि, पेट की अग्नि ज्वलित हो जाती है। अच्छा। और आपको भूख खुल जाती है, तो पहले वो देते हैं खाने को। अच्छा। और आखिरी में गुड़ की डली भी देते हैं। गुड़ की डली भी पाचक खाना पच जाए। अच्छा, ये अदरक के लच्छे हैं। अदरक के लच्छे हैं। अच्छा, इसमें क्या मिक्स करेंगे आप? इसमें नमक मिला दिया गया और नींबू निचोड़ दिया गया बस, और ये गुड़ है। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग में दिया जाएगा कि ये बाद में दिया जाएगा? ये स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में दिया जाएगा। ये भूख को खोलने वाला है। अच्छा। और गुड़ जो है खाने को पचाने का। ओके। अच्छा, और ये गुड़ दिया जाएगा। पूरा पूरा देसी खाना, देसी खाना, देसी तरीके से। और जो इस्तेमाल करी है हमने चीजें, हाँ? वो भी प्राकृतिक तौर पे जो उगी हैं। हाँ? बिना पेप्सिसाइड के और बिना यूरिया के, वो है। ओके। मसाले से लेके हल्दी, नमक से लेकर के, नमक तो सेंधा है ही। हाँ? और हमारे जीरा भी और ये सब चीजें भी। अच्छा, सब्जियाँ भी, अनाज भी। सब। क्या बात। किस चीज़ का आटा है? गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा। गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा, मतलब दली है, ये दली और सूजी के बीच के बीच का है। अच्छा, मतलब मैदे जैसा नहीं है और मैदे से थोड़ा मोटा भी नहीं, ये सूजी के बराबर का है। सूजी के बराबर का। चलो आज तो आगे भी आगे बढ़ गए। अभी कर रही हूँ। ये रोटी देखना आप।